तो बेसिकली आज की हमारी क्लास में हम एडवांस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल की अगली चरण पे है। हमने बताया था कि हर टॉपिक को हम बेसिक टू एडवांस लेके चलते हैं, तो जो बेसिक फीचर्स थे मैंने कवर कर दिए। अब थोड़ा चलिए कुछ और नया इसमें करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 20 और यहाँ पे 30 है, 20 को अगर 30 के ऊपर पेस्ट करते हैं तो 30 रिप्लेस बाई 20 को रिप्लेस कर देता है। लेकिन इसी में हम पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से अगर मान लीजिए हमने फॉर्मूला कर दिया, वैल्यू कर दिया तो रिप्लेस कर देता है। लेकिन इसी में ऑपरेशंस है, जब इसमें हम ऑपरेशन में क्लिक करते हैं ऐड, दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और रिजल्ट आपका 50 पेस्ट हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो चीजें सेम करती है, बट प्रॉब्लम है कि इसका यूज क्या है, इसका यूज है क्या। अब इसका यूज के बारे में चले जानते हैं। अब इसका यूज जो है सिंपल, हम मेरे पास सबसे पहले से परसेंटेज के बारे में जानते हैं कि अगर आपको यहां परसेंटेज के अंदर भी एंट्री करनी है तो यहां हम 70% लिखते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने 70 डाला और इस पे परसेंट का सिंबल लगाया तो 7000% आ जाता है, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। मतलब कि मुझे बाद में परसेंटेज लगानी हो तो 0.70 हम टाइप करके देन परसेंट का सिंबल देंगे तो परसेंटेज एक्सेप्ट करेगा। अब यही एक प्रॉब्लम थी कि हमारे कलीग थे जो कि मुझे एक डेटा भेजा करते थे, वो रैंड बिटवीन की फॉर्मूला लगाते थे और मुझे इस तरह से अपना डेटे भेज देते थे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं। Hello? हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। वो जो रैंक बिटवीन के बाद वो कौन सा शॉर्टकट यूज करता है सर, जो फुल सीरीज खराब हो जाता है? देखिए दो तरीके हैं कि आप एक एरिया सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे तो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। कंट्रोल एंटर लेकिन कंट्रोल एंटर सॉरी इस पे प्रेस करके कंट्रोल एंटर ठीक है। क्या करना है? कंट्रोल एंटर। आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप मुझे मान लीजिए इतने एरिया में रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया सिलेक्ट करके, एरिया सिलेक्ट करके ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैं यहां पे नॉर्मल एंटर मारूंगा तो सिर्फ हमारा A6 में एंट्री होगा। मैं यहाँ कंट्रोल एंटर प्रेस कर देता हूँ तो जो इतने सिलेक्टेड एरिया है ना सब पे चला जाता है, चाहे जो भी फॉर्मूला, ठीक है समझे? कंट्रोल एंटर जी ओके। अब बात आती है कि मुझे इन सब को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 60 आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ 500 का 60% दिया हुआ है तो यहाँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 300 आ जाता है। लेकिन 60 इन द नंबर हुआ देन इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिक्कत होगा, 3000 हो जाएगा। मुझे अपने फॉर्मूले के अंदर में चेंज करना होता है कि डिवाइड बाई 100 करना होगा, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि इस डेटा को जहां यूज करना है वहां हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो क्या करें, तो यहां हम 100 टाइप करते हैं किसी एक्सेल में, क्योंकि अगर इस दो चॉइसेस है कि मैं इस पे परसेंट, यहां पे परसेंट का सिंबल लगा दूं 1/1 या इसको परसेंट में कन्वर्ट करके फिर यहां परसेंटेज का फॉर्मेट दे। ओके तो मैं दूसरा चॉइस करता हूँ। अगर हम ऐसे लिख के और परसेंटेज पे क्लिक करें तो नहीं होगा? देखिए हमने क्या बोला, 60 है? आपने क्या ऊपर क्या समझाया कि एक्सेल में 1 = 100% होता है, बताया ना आपको मैंने? ओके okay.
तो 60 मीन्स क्या हो गया, 60 मल्टीप्लाई बाय 100% मतलब कि 6000 परसेंटेज जाएगा। जैसे कि वहां देखिए 6000 70 जो है क्या हो गया, 7000 हो गया ना। हाँ 7000। तो मुझे यहाँ पे 0.70 रखेंगे तब जाके वो 70% होगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं जब तक ये 0.60 कर दूं तब ए 60% होगा, नहीं तो क्या होगा 6000%। 6000 हो जाए, समझ गए। इसलिए आपने मल्टीप्लाई करते समय डिवाइड बाय 100 नहीं लगाना, क्योंकि आप मैथमेटिक्स की परसेंटेज कैलकुलेशन का देखो तो वहां पे आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाय 100 होता है ना क्या? इसको क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है। हर नंबर 100 से डिवाइड हो गया, हो गया। अब मैं इस पे परसेंटेज आसानी से लगा दूंगा, परसेंट पे हो जाएगा। चलिए इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ नेम है, कुछ लिस्ट ऑफ नेम है और मुझे इनके सेल्स, हर प्रोडक्ट का सेल दिया गया है। ठीक है, अब मैं रिपोर्ट जो है ये प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाया और मैंने भेज दिया। किसको भेज दिया? अपने बॉस को। हमारा बॉस बोलता है मुझे इससे कोई लेना देना है कि पूजा ने प्रोडक्ट 167 सेल किया या प्रोडक्ट 235 सेल किया या प्रोडक्ट 357 सेल किया, प्रोडक्ट 485 सेल किया, मुझे इनकी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ कि इसका टारगेट जो था वो टारगेट का कितना अचीव किया, समझ गए। मान लीजिए सबका कंबाइंड टारगेट जो है 70 है, तो बस बताओ कितना परसेंट उसने टारगेट अचीव किया। तो बस 70 को उठाइए, पूरे एरिया को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और क्या कर दीजिए, डिवाइड। ठीक है, सर एक बार और बताइए, बहुत फास्ट है। सिंपल, हमने 70 को कॉपी किया, एरिया को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और हम यहां पे डिवाइड पे क्लिक करेंगे, जो कि इससे पहले किया था, 100 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम 70 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आ गया परसेंटेज कि पूजा ने 96% टारगेट अचीव कर लिया, प्रोडक्ट 2 में 50% ही किया, प्रोडक्ट 3 में 81% और प्रोडक्ट 4 तो उन्होंने 121% सेल किया, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी कि मेरे पास टारगेट सबके लिए कंबाइंड नहीं है। मान लीजिए सबका टारगेट भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट के हर बंदे को टारगेट अलग दिया गया, समझ गए। अब क्या होगा, अब मुझे यहां इनवेजली परसेंटेज निकालना है, मतलब कि मुझे 67 को 79 से डिवाइड करनी है, 35 को हमें 58 से डिवाइड करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे 57 को 72 से डिवाइड करनी है, 54 को मुझे 25 से डिवाइड करनी है, ऐसे सेम नीचे भी जाएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पेस्ट स्पेशल में आप वन टू मैनी, मतलब एक से बहुत सारे पे पेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारा से भी बहुत सारा में पेस्ट कर सकते हैं। तो पूरे डेटा को उठा के हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसमें हम डिवाइड ले लेंगे, तो वन बाय वन जिस सीक्वेंस में है 79 उठ के यहां आ जाएगा, 58 उठ के यहां आ जाएगा, मतलब कि डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो सेम सीक्वेंस में अगर है तो बड़े आसानी से इनको सबको डिवाइड करके रिजल्ट आपको दे देगा। किसी को डाउट? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास सेल्स फिगर्स है, मेरे पास सेल्स के कुछ फिगर है और मुझे अपने क्यूसी टीम को मैंने दिया है इसको क्रॉस चेक करने के लिए। क्यूसी टीम को क्या दिया है? इसको क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, मतलब सर क्रॉस मतलब
मतलब कि मान लीजिए ना क्रॉस कि मतलब मैंने करेक्ट करनी मेरे पास है। सेल्स हुआ है, हमने बोला किसी टीम को भाई जाकर चेक करो इनकी इनको मैं कमीशन दे रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए किसी ने 72 सेल किया है, लेकिन हो सकता है कि दो प्रोडक्ट उसको वापस आ गए होंगे, तो जो प्रोडक्ट वापस आ गया उस पर इंसेंटिव थोड़ी देंगे उसको हम, क्या सर? मान लीजिए ना कि आपने सेल्स ऑफिसर को एक कमीशन दिया हुआ है कि भाई पर प्रोडक्ट पे तुमको 200 रुपये की कमीशन मिलेगी। अब उसने बोला सर इसमें इस बार मैंने 72 का सेल किया है, मुझे 7200 रुपये दे दो। तो आप एक बार चेक तो करोगे 72 सक्सेस है कि नहीं है, क्योंकि आपने मान लीजिए 15 दिन की रिटर्न बैक गारंटी दिया हुआ है, 15 दिन बाद वापस आ गया होगा तो ठीक है। समझ नहीं पाया सर, समझ नहीं पाया, क्या समझ नहीं पाया सर। समझ नहीं पाए? नहीं मैं सर, समझाता हूँ। तो इसको डेटा को चेक किया और इसने पाया कि 84 के जगह पे 48 है, समझ गए, 36 है। तो गलती जो था ना, गलत लिखा हुआ था, मतलब कुछ कुछ डेटा यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, समझ गए। और जो जो गलती था ना उसके सामने हमने उसका सही फिगर लिख दिया कि यहाँ पे 20 है। समझ, आप समझ में आया कि नहीं? कि जो गलती था उसके सामने हमने उसका गलत बड़ा फिगर डाल दिया। अब मुझे इसको अपडेट करना है, मतलब जिसके सामने डेटा नहीं है, ब्लैंक है, इट मींस वो करेक्ट था, उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन जिसके सामने डेटा है मतलब कि वो 84 नहीं, यहाँ 48 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि 48 को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे 14 नहीं 14, 14 नहीं 20 होना चाहिए, तो हम 20 को लेके यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ 63 नहीं 36 होना चाहिए, तो लेके पेस्ट कर देंगे। अब प्रॉब्लम यही है कि इस तरह से 1 बाई 1 करेंगे और मेरा डेटा हजारों में है, लाखों में है, तो पूरा दिन हो जाएगा ना। अब मुझे इसको उठा के इसके ऊपर पेस्ट करना है, लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, मेरा डेटा जो है वो भी गायब हो गया, लेकिन जो ब्लैंक के सामने है डेटा वो नहीं रिमूव होना चाहिए, क्योंकि वो करेक्ट डेटा है, उसको रखना है। सिर्फ हमको रिप्लेस कौन सा करना है, जिसके सामने वैल्यू डली हुई है। तो ये चीजें हमारे पेस्ट स्पेशल के अंदर में स्किप ब्लैंक से होती है। यहां आपके सामने स्किप ब्लैंक आता है। स्किप ब्लैंक क्या करता है, जिसके सामने जो ब्लैंक वैल्यू है उसको क्या करता है, स्किप कर देता है, उसको पेस्ट ही नहीं करता है। जिसके सामने ब्लैंक वैल्यू नहीं है, मतलब जिसके सामने वैल्यू है डली हुई है, उसी को पेस्ट कॉपी पेस्ट करेगा। देखिए देख गया, 48 हो गया, 20 हो गया, 36, 36, 81, तो क्लियर है? मैं सर जो एंट्री कर रहा है 48, ठीक जी। है सर, जो एंट्री कर रहा है 48 20 एंट्री किया है, ठीक है सर, वो एंट्री मैं खुद ओरिजिनल सीट पे एंट्री करूंगा, तो मेरे को स्किप ब्लैंक नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने ये होता है क्या, नहीं समझ रहे आप, बात नहीं समझ पा रहे। आप किसी को चेक करने के लिए देंगे और यहाँ पे 48 डाल देगा, यहाँ कुछ नहीं डालेगा, तो आपको पता चलेगा कि गलती था ये क्या। तो जब क्यूसी होती है ना, तो उसके सामने वैल्यू डलती है, वो डायरेक्ट अपडेट नहीं होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट अपडेट कर देगा तो हो सकता है कि कुछ उसके रीजंस रहा हो। तो एक बार, अभी एक बार अपने हिसाब से चेक कर लेंगे ना क्या, ओके तो इसलिए इसके सामने डली होती है। और अगर आपने किसी ने डायरेक्ट डाल दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं है। जब डायरेक्ट नहीं डाला, आपको इस तरह की चीजें आई, तब इसकी इंप्लीमेंट कीजिए, समझ गए। होने ओके को तो बहुत कुछ हो सकता है सर, मैं तो बता रहा हूं कि सिचुएशन क्या होने पे क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि सिचुएशन ऐसी हो तो कीजिए, अब आपके पास वो सिचुएशन नहीं हो तो मत कीजिए, ठीक है। सर एक बार फिर से करके दिखाइए इसको सिंपल, इसको कॉपी कीजिए, इस पे जाइए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे स्किप ब्लैंक लिख गया सर, एंड जस्ट सर, ओके, ठीक है, क्लियर है। वो अब आती जो है है पूजा पे जो 85% है, पूजा क्या, वो जो सीट टू पे जाइए सर, हाँ सीट टू पूजा पे जो 85% है उस पर क्लिक कीजिए। हाँ
इधर देखा रहा है फॉर्मूला बार पे देखा रहा है क्या, परसेंटेज देखा रहा है क्या? हाँ डेसिमल हाँ वो तो में दिखाएगा ना, उसको डिवाइड राउंड हुआ है ही तो, करना है। डिवाइड हुआ है तो तो देखो डिवाइड हुआ वो तो नहीं है, फॉर्मूला बार पे तो फॉर्मूला नहीं है, डिवाइड डिवाइड किया है जो सर, वो फॉर्मूला 80 से डिवाइड नहीं 85 करता में। है, फॉर्मूला नहीं लगाता है वो, जस्ट डिवाइड करके रिजल्ट देता है हाँ बट फॉर्मूला बार पे तो फॉर्मूला देखना देखना चाहिए ना, सर। ये फॉर्मूला जो लगाता फॉर्मूला ही नहीं मैं है, यूज कैसे किया दिखेगा? तो 79 से 85 नहीं नहीं को आप नहीं, सेवेंटी आपको नाइन से शुरुआत में ही समझाया था ना, क्या समझाया था आपको, ध्यान से सुनिए सर। हमने बोला था कि जब इसको कॉपी करके पेस्ट करते तो रिप्लेस कर देता है ना, लेकिन जब आप इसमें ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन करके रिजल्ट को पेस्ट करता है, रिजल्ट के फॉर्मूला को पेस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं क्या फॉर्मूला लगा देता है, नहीं, फाइनली बैकएंड में कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट जैसे 50 हुआ ना तो 50 पेस्ट करेगा। अब ऐसा नहीं कि क्या यहाँ पे बात 30+20 कर देगा, नहीं ऐसा नहीं करता है, ये फीचर इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। है, अच्छा ओके हाँ क्लियर है, समझे कि नहीं? या समझे सर। हाँ, अगर आपके सिस्टम में पहले से फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के नंबर लाया हुआ है, अब आप चाहते हो, सॉरी 1 मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे जो रिजल्ट लाया हुआ है ना वो फॉर्मूले से लाया हुआ है, मान लीजिए ये फॉर्मूले से आया हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि फॉर्मूले को रिमूव ना करें, क्योंकि अगर दोनों पे ऐड होगा तो इसकी फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगी ना, मैं चाहता हूं इसके अंदर जाए और 79 से डिवाइड कर दे, अंदर जाए और 79 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, बट फॉर्मूला रहने दे, ये चीजें करेगा, मतलब कि यहां से कॉपी करेगा, यहां पेस्ट स्पेशल, और यहां पे आप अगर डिवाइड करते हैं तो इसको ब्रैकेट में ना किस फिर डिवाइड करेगा, देखिए दिखा, समझे? समझा सर। तो पहले से फॉर्मूला है उसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है कि अगर आपकी वैल्यू हॉरिजेंटल है उसको वर्टिकल और वर्टिकल है उसको हॉरिजेंटल ट्रांसफॉर्म, जैसे ये नंबर यहाँ वैल्यू दिख रहा है आपको, मैं कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाऊं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूँ तो ये आपका दिख रहा है ना वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल हो जाएगा। अगर हॉरिजेंटल वैल्यू को कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट किया तो हॉरिजेंटल वैल्यू जो है वो वर्टिकल हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म, सिंपल सा, और कुछ नहीं करेगा, डेटा को लिंक विंक कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ओके क्लियर है? ओके सर ये 16 है, 16 है, हाँ सर सुन ठीक है। आप ऐसे फटाफट बताते हो ना, सब इजी गोइंग लगता है, और उसके बाद मैम जब कह रहे मतलब कंटेंट ज्यादा है, अगर स्लो चलूंगा तो फिर ये 6 महीना साल भर चल जाएगी कोर्स, आप एडवांस चीजें सीख रहे हैं तो और सर बेसिक तो चीजें, आएगा ही नहीं तो फिर कैसे तो होगा, बेसिक चीजें हैं मतलब ना इतना चीजें। अच्छा, फटाफट। जहां दिक्कत होगी आप बोलिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, क्या इसमें क्या दिक्कत हुआ आपको? नहीं दिक्कत तो नहीं हुआ, ऐसे ऐसा लगता है कि हम करके देखें हाँ, ऐसा इसीलिए हो रिकॉर्डिंग की जाएगा फैसिलिटी रखा है ना, आप रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग नहीं किया ना, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग करेंगे तो देख लीजिएगा जहां दिक्कत होगी वहां पे, ठीक है ना, ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसमें अगली सर, चीज हमें तो जो, यही बड़ी लग रही है। हाँ अब अगली चीज, अब क्योंकि इस पे टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर आगे आने वाले जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ना उसके लिए टाइम नहीं बचेगा ना, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा जल्दी निकालते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड है जैसे पिवट है, कस्टम है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, फॉर्मूलेज है, डैशबोर्ड्स है, उस पे हम पर्याप्त टाइम देते हैं और स्लो चलते हैं। देखिए यहाँ 10 बाई 16 हुआ तो इसको 8 2 से करते हैं इसको, 5 5 5 8 किए थे, 4 3 12, 5 3 15, 4 बाई 24, ओके ठीक है, 15 बाई 20 है ना,
अब बात करते हैं लिंग की। माफी चाहूंगा खाली मैं थोड़ा सा किसी और मैं सीख पे नहीं था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो अब मैं चाहता हूँ इसका लिंक करना, मैं चाहता हूँ जो डेटा यहाँ है ना वो यहाँ भी दिख जाए या किसी और सीट पे दिख जाए, और मैं यहाँ चेंज करूँ तो वहाँ भी चेंज हो जाए क्या। तो इसके लिए आपको इक्वल करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दो तरीके हैं, एक तो पहला कि आपने इक्वल प्रेस किया और जिसको लिंक करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अब जाहिर सी बात है A1 को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इंक्रीज होता है ना, ये भी इंक्रीज हो गया ना, पर फॉर्मेटिंग नहीं आएगा परसेंटेज का, और मैनुअली करना पड़ेगा आपको। आगे सर मैं समझ नहीं आया सर, ठीक सर सिंपल सी बात है, हमने इक्वल प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, लिंक हो गया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, सारे आ गए, फिर आगे की तरफ ड्रैग कर दिया, कॉलम भी आ गया, तो बेसिक चीज है। बेसिक चीज है, बस मालूम नहीं था ना सर। हाँ तो देखिए बहुत बारीक बेसिक चीज है सर, देखिए वेरी माइनर। तो ये आपका हो गया, अब मैं यहाँ चेंज करूंगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अब बोल रहे कि मुझे समझ में आया दिक्कत हो गई, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। आप क्या करें इसको कॉपी कर लें और पेस्ट स्पेशल करते समय यहां पे आपने देखा था पेस्ट एज ए लिंक दिखा है सर, इस सीट पे कीजिए या किसी और सीट पे कर लीजिए या किसी और फाइल पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप ये पेस्ट स्पेशल का मेन्यू कहाँ से लाते हैं मुझे ये बताइए, मुझे ये नहीं मिल रहा। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल। अच्छा राइट, मैंने इतना बार किया आपने गौर नहीं किया। सर आप इतना चक चक जल्दी जल्दी करते हैं। अब मैं 4G नहीं अब 2G स्पीड लेता हूँ, ठीक है। ओके नहीं सर आप 2G हो जाएगा तो स्टूडेंट भी 2G हो जाएगा ना। यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वाला सेक्शन चल रहा है हमारा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेस्ट स्पेशल आ जाएगा, और राइट क्लिक करेंगे वहां से पेस्ट स्पेशल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये दिक्कत है कि आपको जो आर्टिकल दिया था वो पढ़े नहीं थे, वो पढ़ते थे सब कुछ सीख रखता। सर दिन भर तो ऑफिस का काम करते हैं मैम, ऑफिस में काम है तो ये काम है तो भगवान को थैंक्स कहिए, क्योंकि नौकरी सलामत है, जिस दिन काम नहीं रहेगी उस दिन कितना दिन तक बिना काम के कंपनी रखेगा आपको। ये सर ऐसा मत कहिए, तो काम है थैंक्स कहिए, और एक और ज्यादा काम है। मेरी तो यही मानना है कि काम है इसका मतलब कि नौकरी सलामत है, जिस दिन काम कम आने लगेंगे समझिए कि यहाँ पे यहाँ की दाल लोट टूटने वाली है। ठीक है टाइमिंग निकाल लीजिए ना सर, आप कॉलेज में थे कॉलेज करते थे, नहीं कॉलेज में थे कॉलेज करते थे, तीन तीन चार चार ट्यूशन करते थे, घर पे तैयारी भी करते थे और दो चार घंटा गर्लफ्रेंड से बात भी कर लेते थे, याद कर लीजिए। बोर्ड के एग्जाम की तैयारी याद कर लीजिए एक बार, उसके मामले तो बहुत कम है ना, तो टाइम मिलता नहीं है। देखिए जब हम कॉलेज में पढ़ते थे कुछ काम नहीं था फिर भी हम बिजी थे, और हमारे पास काम है अभी भी हम बिजी है, समझ गए। तो टाइम निकालने से होता है, एक आध घंटा कम सोइए, एक आध घंटा जल्दी उठिए, वीडियोज को आप बस में देख लीजिए, लंच टाइम में थोड़ी सी लंच जल्दी करके आ जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, डायरी अपने पास हमेशा रखिए, तो इस तरह की रूटीन फॉलो करेंगे तभी होगा ना। देखिए ये नॉलेज है, एक यही ऐसा चीज है जो कोई आपको शॉर्टकट तरीका से या किसी और तरीके से नहीं दे सकते, एक यही चीज है जिसको आपको प्रैक्टिस और हार्ड वर्क से आएगा, मैं सही बोल रहा हूं ना। तो लास्ट टाइम थकेगा इसमें तो बहुत हार्ड वर्क चाहिए सर। हाँ
और जो आपने अभी तक जो पढ़ा है, 10th 12th ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो जस्ट आपको एक सर्टिफिकेट दिलाया है, डिग्री दिलाया है, लेकिन जो अभी आप सीख रहे हैं ना, ये आपके काम में मदद ये स्किल है। आप आज सीखेंगे और कल जाकर ऑफिस में काम करेंगे, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में हमने आज आपके सामने डिस्कस कर दिए पूरा का पूरा जो मेनू है पूरा। अब जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको भेजा है, आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, आराम से बैठ के देख लीजिए, पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियोज आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मैं रिकॉर्ड कर रखा हूँ, मैं आपको थोड़ी में देर में भेज दूंगा, कल की वीडियो भी भेज दूंगा और आज की भी, कल की तरह की भेज दी थी आपको मैंने और आज की भी भेज देता हूँ।